गोपाल काका ये क्या है? उड़द की दाल है छोटे बाबू। उड़द की दाल ला मुझे। अरे अरे तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो छोटे बाबू, मैं जा रहा हूँ ना पिसवाने। ये पिसवाने के लिए नहीं, फिसलाने के लिए है। अरे वो धोखेबाज बाहर आ, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बाहर निकल। अबे डरपोक की तरह घर में छुप के क्या वजह है, हिम्मत है तो बाहर निकल। ओहो, तो तू है उस बेईमान की माँ। तेरा बेटा क्या अपने आप को जागीरदार समझता है, करोड़पति समझता है? जिसकी जितनी औकात है उसे उतने में ही रहना चाहिए। अपनी मौज मस्ती के लिए तेरे लाडले ने हमसे खजा लिया है। जब हमने अपना पैसा मांगा तो घर में छुप गया। अरे गलती उसकी नहीं है, उस कमीने को जन्म देने वाली इसी माँ की है। भिखारियों जैसे हालात में घर के ठाट तो देखो, घर में नौकर भी रखा हुआ है। अरे अगर कर्जा चुकाने की औकात नहीं तो हमारे साथ चल, हमारे घर के बर्तन मांज, कपड़े धो, झाड़ू पोता कर। बंद करो अपनी बकवास, तुम हो क्या, औकात क्या है तुम्हारी? अगर तुम्हें मालकिन की असलियत का पता चल गया तो ठीक है, तुम लोगों के कर्जे का जिम्मेदार मैं हूं, मैं चुकाऊंगा तुम्हारा कर्ज, जाओ यहां से। हाँ हाँ, अगर नहीं चुकाया ना तो हमें वसूल करना भी आता है। चलो रे। हाँ देख लेंगे। काका मेरी बात तो सुनिए। ये देखो, इसे देखो, इसे देखकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें वो राज मालूम होगा जो आज तक बरसों से पर्दे में रहा। देखो इसे, ये स्वर्णा पैलेस है, तुम्हारे बुजुर्गों की निशानी, गुजरे हुए दिनों की यादगार। माँ? हाँ, और ये तुम्हारे पिताजी, एक ऊंचे जमींदार खानदान के चिराग हो तुम। जब जागीरदारी का बोझ तुम्हारे पिताजी के कंधों पे आया तो बहुत देर हो चुकी थी। खानदान की इज्जत और उसकी मान मर्यादा को जिंदा रखने के लिए तुम्हारे पिताजी कर्ज लेते चले गए, और एक दिन उसी झूठी शान की जमीन में खुद भी दफन हो गए। महलों में राजकुमारों की तरह पलने वाले तुम, माँ जी जब तुम्हें लेकर एक जोड़े में उस महल से बाहर निकली तो वहां के नौकर तो नौकर, उस महल के दरो दीवार भी रो पड़े।